हेलो स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर में, फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। तो आइए समझते हैं चैप्टर क्या है। तो एमएस एक्सेल अलाउड स्पीडली एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन। इट इज़ यूज वाइडली टू स्टडी द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज बजट, टैक्स कैलकुलेशन, बैलेंस शीट एंड मोर। यू कैन टाइप फॉर्मूला इन एक्सेल टू डू कैलकुलेशन। फॉर दिस यू कैन यूज डायरेक्ट नंबरिक्स कॉन्स्टेंट एंड सेल एड्रेस टू कंटेन द रिमेंबर। ए फॉर्मूला इन एमएस वर्ड इज ऑलवेज बिगिन विद इक्वल साइन। तो कोई भी फॉर्मूला होता है वो एमएस वर्ड में इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। तो यानी एमएस एक्सेल जो है स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, ठीक है। और इसमें जो है जो फॉर्मूला का यूज होता है वो टैक्स कैलकुलेशन या बजट, इन सब चीज़ों के कैलकुलेशन के लिए यूज होता है। डाटा इन ए फॉर्मूला कैन कंसिस्ट द फ्लोइंग एलिमेंट। इनमें ये एलिमेंट होते हैं, जैसे वैल्यू है स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिकल्स। जैसे सेल एड्रेस में V4 हो जाएगा, A5, AD एक्सेट्रा। फंक्शन में हो जाएगा आपका सम, मिनिमम, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, एवरेज एक्सेट्रा। और ऑपरेटर में प्लस, माइनस, स्टार, स्लैश, और ये जो साइन है इसको कैरेट बोला जाता है, ग्रेटर देन, इक्वल, एक्सेट्रा। और पैरेंथेसिस यानी जो ब्रैकेट होते हैं वो ये हैं, जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है। तो दस ए फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल इज ए सीक्वेंस ऑफ वैल्यू, सेल रेफरेंस, फंक्शन एंड ऑपरेटर्स दैट इज कंटेंड इन ए सेल एंड प्रोड्यूसेस ए न्यू वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यूज। तो ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं। एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ओरिजिनली मार्केटेड एज स्प्रेडशीट प्रोग्राम कॉल्ड द मल्टीप्लान इन 1982 बिफोर इट रिलीज द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल इन 1984। जो फर्स्ट वर्जन है एक्सेल का कब स्टार्ट हुआ था, 1985 में। उसके बाद है सेल एंड रेंज रेफरेंसेस। इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ द सेल रेफरेंस इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डाटा एट द टाइम ऑफ वर्किंग विद फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल, इंटर ए फॉर्मूला इक्वल A1 प्लस A2 इंस्टेड ऑफ 100 प्लस 200। यानी एक सेल में हमारा 100 है और 200 है, तो सीधे हम उसका एड्रेस डाल देते हैं और प्लस का साइन लगा के वो ऐड कर लेगा। व्हेन वी यूज सेल रेफरेंसेस एंड चेंज द नंबर यूज इन द फॉर्मूला, एक्सेल विद ऑटोमेटिकली रीडो एंड कैलकुलेट फॉर यू। Let us consider a few example of references. तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सेल यहाँ दे रखा है, सेल रेंज ऑफ सेल, तो references है। जैसे B1 में दे रखा है, B वाले कॉलम में है, फर्स्ट रो है, तो इसका एड्रेस B1 हो जाएगा। अगर C में है, 5 रो है, तो उसका ये तो सारा वो है सेल एड्रेस का वो। अब टैक्स फॉर्मूला क्या होता है, इन ए सीक्वेंस द करेक्टर विच सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिविजन कैन नॉट बी परफॉर्म। इट इज़ द कॉल्ड टैक्स स्ट्रिंग, उनको टैक्स स्ट्रिंग बोला जाता है। और द टैक्स फार्मूला ओनली एडिशन पॉसिबल विद द टैक्स फार्मूला। टू क्रिएट ए सिंपल टैक्स वैल्यू इनक्लोज द डबल कोटास, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन टू कंकेटिनेट्स दिस टैक्स वैल्यू विद द अदर टैक्स टू यूज एम परसेंट का एंड का जो साइन होता है उसको M% बोला जाता है, M% करेक्टर। फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन एंड M% टेक्नोलॉजी, इस साइन को M% बोला जाता है। द रिजल्ट ऑफ दिस फार्मूला इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल फार्मूला क्या होते हैं। जैसे ये दे रखा है, ये ऑपरेटर दे रखा है, यहाँ पे इसका ऑपरेशन दे रखा है और यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है। तो यानी एक्सपोनेंट का है ये, जिसको कैरेट का साइन बोला जाता है, कैरेट बोला जाता है। एक्सपोनेंट का होता है जैसे इक्वल टू 8,
कैरेट टू करा हुआ है, तो ये 64 यानी 8^2 की वैल्यू कितनी होगी। दूसरा स्टार है, स्टार का यूज़ मल्टीप्लाई के लिए होता है, आप देख सकते हैं 8 × 2 = 16। डिवीज़न के लिए स्लैश का यूज होता है, जैसे इक्वल 8/2 = 4, यानी 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आएगा। प्लस एडिशन के लिए ये आसान है, और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का यूज होता है। इसके बाद ऑपरेटर ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर, इसमें यही होता है कि जैसे बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, जैसे पैथेंसिस लिखा हुआ है तो 8+2 स्टार लगा के फिर 4-2, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 10 आ जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, -2 = 38 आंसर आ जाएगा। कुछ ये होता है जैसे जो एरर रिजल्ट जिसको बोला जाता है, तो ये जो साइन आते हैं उनको एरर रिजल्ट, यू मे गेट एरर वाइल परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन, सम कॉमन एरर रिजल्टेड इन देयर रीजन आर, कुछ के ये आते हैं जैसे हैश वाला साइन आ जाएगा, किसी में #d/0 इस ढंग से इनवैलिड ऑपरेशन में, या फिर हैश वैल्यू आ जाएगा, द फॉर्मूला कंटेन इनवैलिड डाटा, और एक आ जाएगा NA, डाटा इज़ नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे आप हमने समझा एक्सेल में ऑपरेटर्स क्या